नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनजोत सिंह तबला ग्राउंड, स्वागत हो मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बता रहा हूँ तबला लेसन, जो कि बिगनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट्स के लिए है। इसमें मैं तबले के बारे में बताऊँगा, अल्फ़ाबेट्स जो हैं तबले के, मेन मेन अल्फ़ाबेट्स वो बताऊँगा, और तबले के जो पार्ट्स हैं वो बताऊँगा। और मतलब ये पूरी वीडियो एक कम्बाइंड वीडियो होगी, जिसमें तबला पोस्चर, बॉडी पोस्चर, आपकी हैंड मूवमेंट्स, फिर उसके बाद आपकी तबला पोजीशन, ये हो गया, और उसके बाद बेसिक्स ऑफ तबला, अल्फाबेट्स ऑफ तबला, मतलब 5-6 चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, जो भी अब ये पहली बार सीख रहा है तबला, तो स्पेशली कॉपी पेन लेके बैठे और तबला साथ में लेके बैठे, उसको जब तक आप पेन डाउन नहीं करते तब तक आपको इतना सीखने को नहीं मिलता। तो ऐसा है ना कि बोल जब तक याद नहीं होंगे ना, तब तक बजाने में मज़ा नहीं आएगा। पहले बोलों को याद करना है, फिर उसके बाद बजाना है। इस वीडियो में सबका मिक्सचर मिलेगा आपको। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तबला कैसे रखना है, देखिए ये है डग्गा, दोनों साइड इक्वल रखिए आप इसको ऐसे, और इसको यहाँ पे सीधा, बिल्कुल ना ज़्यादा ऐसे ना ज़्यादा ऐसे, बिल्कुल सीधा रखिए। और घे घे ये दो हाथों से, ये दो फिंगर से, और इससे घे बजेगा, इससे घे बजेगा, घ से घर वाला घे, ग से गमले वाला घे, घे घे। इसको ऐसी पोजीशन में लाना है, ध्यान से देखिए, और घे 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 घे, मेरे साथ बजाइए, घे 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 घे। ये है लेफ्ट की पोजीशन। राइट पे आइए, इसको इंक्लाइंड रखना है, इसको कहते हैं हम चट्टू, इसको कहते हैं हम डग्गा, पूरे को कहते हैं हम तबला, इसको दायां बायां भी बोल सकते हैं। ऐसे हाथ में ऐसे करिए और देखिए, छोटा बी बन रहा है तो बायां, बड़ा डी बन रहा है तो दायां, मैंने ऐसे याद करा था। तो अब इसकी पोजीशन क्या है, ये इंक्लाइंड टुवर्ड्स द डग्गा है चट्टू, और इसमें थर्ड फिंगर आपकी यहाँ पे आएगी, ये इस ब्लैक सर्कल को शाही कहते हैं, शाही के जस्ट पीछे, और इसके साथ आपने बजाना है ना या ता, ये फिंगर ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। अब ये हल्का सा ऊपर है, अब स्टेप वाइज सीखेंगे, ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ये सर्कल बनाना है, देखिए ये सर्कल बन रहा है। फिर उसके बाद आपने देखना, आपका नोज सेंटर में है, घुटना ये जो है ये थोड़ा सा बाहर होना चाहिए राइट साइड में, और फिर उसके बाद तबला शुरू होएगा। ये आपका बॉडी पोस्चर है, सर्कल, देन नोज शुड बी इन द सेंटर, एंड उसके बाद ये वाला हाथ ऐसे रखना है, और ये थर्ड फिंगर इधर रख के फिर तबला बजाना शुरू करना। सबसे पहले तबला की पोजीशन, बॉडी का पोस्चर, फिर उसके बाद तबला शुरू करेंगे। तो ये सब सोचा आपको तसल्ली से एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊं, ताकि समझ तो आए कोई चीज़ अच्छे से। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए, बाय चांस नहीं समझ आ रहा, बार बार वीडियो देख रहे हो, तो आपने मेरे को मैसेज करना है, मेरा नंबर लिखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और मेरे से पूछिए क्या कमियां हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, हफ्ते में एक शुरू करो, फिर हफ्ते में दो, प्राइस मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए का एक क्लास होता है। तो 8800338331 मेरा नंबर है, 8800338331 आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आइए दोबारा अब शुरू करते हैं सीखना। सबसे पहला बोला है घे घे, राइट में है ना ना, फिर के के, फिर ना ना, बजाइए मेरे साथ, घे घे ना ना, के ना ना, बजाओ, बैक स्ट्रेट करो, तबला की पोजीशन चेक करो, नोज सेंटर में देखो, और शुरू हो जाओ, 1 2 3 स्टार्ट, घे घे ना ना, के ना ना, घे घे ना ना,
अभी बिगनर्स है ना, उनको मैं एक एडवाइस दूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा समझो कि आप चाहे कॉरपोरेट लाइफ में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई जॉब और कर रहे हो, या कोई भी अलग म्यूजिक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ आने वाला है। तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो सबको। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि तबला की पोजीशन, बॉडी का पोस्चर, फिर उसके बाद बेसिक बोल, फिर उसके बाद दायां हाथ और बायां हाथ का कैसे कॉम्बिनेशन बन के कैसे वो प्लेइंग है वो सब बताना, फिर उसके बाद ऐसे वे में बताना कि जो आपको कठिन ना लगे, जो आपको मुश्किल ना लगे। और इसमें जो है घेके नाना केके नाना, ये पहला बोल होता है तबले का। अब ये बोल के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा, और ताकि ये बोल जाए घेके नाना केके नाना घेके नाना केके नाना घेके नाना केके 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 नाना, मतलब इतनी तेज आप बजा सको, इतनी प्रैक्टिस करनी है एक एक बोल की। तो ऐसा है कि ये नहीं कि तीन तीन चार चार घंटे लगन से बजा रहे हो आप, ठीक है, अच्छी बात है। जो कॉरपोरेट जॉब और वो सब कर रहा है उनको एक चीज़ एक एडवाइज है, आप 15-20 मिनट रेगुलर दोगे ना तो आप बहुत अच्छा तबला बजा सकते हो। जिसको इस फील्ड में जाना है वो 2-3 घंटे का रोज का रेगुलर रियाज करे। तो ये मेरी एक एडवाइस है छोटी सी। जो हमारा तबले का घराना होता है ना, वो तबले के 6 घराने होते हैं, दिल्ली घराना, पंजाब घराना, फरुखाबाद घराना, अजराड़ा घराना, बनारस घराना और एक लखनऊ घराना, 6 घराना, ठीक है जी। तो ये घराने में हर टाइप्स का अलग अलग प्लेइंग होती है, छोटा छोटा डिफरेंस होता है, जैसे ते ते फिर ते ते, बात एक ही है, बोल अलग अलग बज रहे हैं, ये 2 फिंगर से बज रहा है, ये 2 फिंगर से बज रहा है, तो ये है। तो नेक्स्ट बोल तेटे का ही है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप ऐसे भी बजा सकते हैं, आप ऐसे भी बजा सकते हैं, ठीक है। घे घे ते ते घे घे ना ना के के ते ते घे घे ना ना, ठीक है जी। सेकंड बोल है ये। बात करते हैं अल्फाबेट्स ऑफ तबला की। तबला के 6 अल्फाबेट्स हैं, कौन कौन से हैं आइए सीखते हैं। ता तिन ते ते, ये थर्ड अल्फाबेट है, पहला अल्फाबेट है ता, दूसरा है तिन, तीसरा ते टे। ये मत सोचना कि ते टे दो बोला है तो दो अल्फाबेट क्यों नहीं है, ते टे इज अ सिंगल अल्फाबेट, इसको ते टे भी बजाते हैं, इसको ते टे भी बजाते हैं, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद फोर्थ अल्फाबेट घे, इन दोनों से, फिफ्थ अल्फाबेट घे एंड लास्ट अल्फाबेट के, सो इट विल बी लाइक 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट ऑफ तबला। सबसे पहले पोजीशन सर्कल, तबला पोजीशन, नो सेंटर, घुटना राइट में, ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद तबला शुरू करना है। 2 तबला पार्ट्स जो मैंने बताए हैं, घे घे ना ना के ना ना, फिर घे घे ते ते घे घे ना ना, फिर के ते ते घे घे ना ना। दोबारा मेरे साथ दोनों बजाओ, घे घे ना ना के ना ना, घे घे ते ते घे घे ना ना, के ते ते घे घे ना ना, ठीक है जी। ये है 2 मेन बोल। फिर उसके बाद 3 ताल, जो कि 16 मात्रा की ताल है। क्या क्या सीख रहे हैं आज हम, अल्फाबेट्स ऑफ तबला, 2 प्रैक्टिस बोल और 1 3 ताल, ताकि ये 1 महीने का ऐसा कोर्स बन जाए कि जो आप बहुत तसल्ली से सीखो, अच्छे से सीखो। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है उसको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, वो तभी देख रहा है, और मैं चाहता हूँ बिल्कुल तसल्ली से सीखो। 0.5 में कर लो, चाहे बिगनर्स के लिए 1.5 में कर लो, इंटरमीडिएट, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है आना तबले में,
तभी आगे आप चीजें कर पाओगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो तीन ताल है। अब क्या है, दोनों हाथों से इकट्ठे सेम टाइम पे एक बोल कैसे बजेगा। बोल है धा धिन धिन धा, ये दो बार है, लिखिए कॉपी में। तीन ताल 16 मात्रा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। दोबारा से धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा, ठीक है जी। ये अब हम सीखेंगे तबले पे ध्यान से। जैसे ही आपने छोड़ा तो ये देखना, ये देखो बैक ये स्ट्रेट रखनी है, सर्कल दोबारा बनाना है, नो सेंटर में है, देखो फिर शुरू करना है। धा घे प्लस ता इज इक्वल्स टू धा, फिर गे। इसमें क्या है, तीन ताल में ऐसे ऑल्टरनेट चल रहा है, घे घे शुरू यहां से करना है, घे 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 घे। इस राइट साइड पर बज रहा है ता तिन तिन ता, बस यही है तीन ता। अब दोनों को मिक्स कर दे, धा धिन। अब धिन का है मैदान पे, इसके लिए तबला पार्ट जानना बहुत जरूरी है। शाही मैदान चांटी या फिर किनारा, शाही मैदान किनार, गजरा बद्दी गट्टे रिंग्स। दोबारा से देखिए, शाही मैदान किनार गजरा बद्दी गट्टे एंड जिस पे तबला पड़ा है रिंग्स, दाया एंड बाया, दाया एंड, दाया एंड बाया। दाया कौन सा है, डी फॉर दाया, बी फॉर बाया। मैं ऐसे बना लेता था, छोटा अल्फाबेट बी बन रहा है बाया, डी बन रहा है दाया। तो ये एक टेक्निक है, एक मैजिक है एक तरह से, बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चे भी सीख पाए दाया बाया, उनको पता हो तबला, पता हो तबला पार्ट्स, पता हो बॉडी पोस्चर, पता हो तबला पोजीशन, पता हो प्रैक्टिस दो बोल, पता हो फिर उसके बाद तीन ताल, और ये कॉम्बो बन गया एक मंथ का। और प्रैक्टिस करनी है दबा के, ठीक है जी। आओ धा धिन, धिन कैसे है, मैदान पे धिन साथ में गे, धा धिन दूसरे दिन में ही आएगा घे, धिन धा। आइए दोबारा धा धिन धिन धा, दोबारा धा धिन धिन धा, फिर धा तिन तिन ता। इसमें यही हैंड यूज नहीं होगा, तिन तिन ता में, मैदान मैदान किनार, ठीक है, तिन तिन ता। थर्ड लाइन है तीन ताल की, अगर आपने चार चार में लिखा होगा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा, ऐसे लिखा होगा, तो ये थर्ड लाइन है। फिर फोर्थ लाइन ता, यहां से शुरू होगा, फिर धिन धिन धा धा, शुरू से तीन ताल बजा रहा हूं, ध्यान से देखिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता धिन धिन धा धा। रिदम में बजाना है, धा धिन धिन धा। हमारे सब में रिदम है, हर बंदे में रिदम है, कोई ऐसे तो नहीं चलता ना, ऐसे नहीं चलता ना, ऐसे चलता है नॉर्मल, वन टू थ्री फोर ऐसे चलता है। तो रिदम सब में है, बस उसको सेंस करना और उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। क्या क्या सीखा, तबला पार्ट्स, तबला पोजीशन, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट्स, बॉडी पोस्चर, फिर उसके बाद प्रैक्टिस बोल, वो भी दो, और फिर उसके बाद तीन ताल, इतना कुछ सीखा है। आशा करता हूँ आप सबको ये लेसन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तबला ग्राम के नाम से मेरा आर्टिस्ट नेम है। और एक और चीज़, ध्यान से सीखना है, कुछ भी सीखना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है, एक मतलब आपका जो जोन है ना, उस जोन में ही रहना, उस पर्टिकुलर 10 मिनट्स की वीडियो, 20 मिनट्स की वीडियो में बाहर नहीं जाना, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं। पढ़ाई कर रहे हो ढंग से करो, स्पोर्ट्स कर रहे हो ढंग से करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो ढंग से करो,
कुछ भी दो, अपना बेस्ट दो। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच। मननजोत सिंह, तबला ग्राउंड।